बैक टू ट्राइबिक एंड सॉरी यार, ये बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है कि आप किसी भी फ्रेगमेंट से एक्टिविटी में डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं, हाउ टू सेंड डेटा, और यू कैन से हाउ टू पास डेटा फ्रॉम फ्रेगमेंट टू एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी यू कैन से। ओके सो चलिए शुरू करते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एंड अगर जावा के कोर कॉन्सेप्ट सीखने हो जो कि हम एंड्रॉयड में यूज़ करते रहते हैं, एंड जावा एंड कॉटलिन, सो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं उपासना मैम की, जिसमें इंट्रोडक्शन टू जावा एंड कोर फंडामेंटल सारे टॉपिक्स हैं। चलिए लाइक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँ, ये तो पता ही है, फ्रेगमेंट टू एक्टिविटी, वैसे नाम नहीं दे सकते। ओके मैंने क्रिएट कर दिया, एक सेकंड लगेगा बस। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम एक्टिविटी कंटेनर बनाएंगे। इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत यूज़फुल होता है यार। ठीक है, तो मुझे कमेंट करो कि लेआउट्स के ऊपर आपको वीडियो सही है कि नहीं, एक कंप्लीट लेआउट की वीडियो बना देंगे फिर इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, वरना आधे आधे हो जाएंगे, मैच पेरेंट कर दो एंड आईडी डाल दो कंटेनर लेआउट। ठीक है, ये सेट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद मेन एक्टिविटी में चलते हैं। मेन एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बीइंग ट्रांजेक्शन डॉट एड, पहले एड आएगा। ओके, अब एड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आर डॉट आईडी डॉट कंटेनर लेआउट एंड उसके बाद फ्रेगमेंट का नाम। तो फ्रेगमेंट तो हमने क्रिएट किया ही नहीं, तो फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेगमेंट ब्लैंक करना, लिस्ट करना, जो करना है वो कर लो यार, ब्लैंक कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट फ्रेगमेंट, ओके ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे इसको। ये देखो डेटा फालतू का नहीं है, बट हमारे यूज़ में नहीं है अभी, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर था जो अभी उड़ा दिया। कंस्ट्रक्टर वगैरह सबकी नॉलेज चाहिए हो तो बता देना, मतलब वे सीरीज़ फॉलो कर लेना जावा की। ओके एंड यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स को बता दो, कोई यूज़ नहीं है इसका। एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको व्यू इक्वल टू दिस एंड बाद में व्यू को रिटर्न करा दो, व्यू जिससे हम यहाँ के एलिमेंट्स एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में जाएंगे हम। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या मांग रहा है देख लो, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन एट क्लास न्यू फ्रेगमेंट। ओके तो न्यू फर्स्ट फ्रेगमेंट, इसको आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो एंड देन कमिट। तो यार ये बिल्डर मेथड होता है, चेन मेथड। ओके तो नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो ये कोर चीज़ पता होना ज़रूरी है, वरना आप लिखते रह जाओगे पता नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्रेगमेंट में। सबसे पहले देख लो यार ये आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो हम कोड करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं रन करा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, क्योंकि आपको चाहिए फ्रेगमेंट से एक्टिविटी डेटा कैसे सेंड करना है। ठीक है, तो देखो रन होने वाला है, आई मीन आने वाला है। तो देखो फ्रेगमेंट एक्टिविटी आ गया, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आ गया। तो चलो इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं देखो यार एडिट टेक्स्ट और बटन बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक सेकंड में पेस्ट कर रहा हूँ। और अगर लेआउट सीखना ही है तो मुझे कमेंट करो, मैं लेआउट के ऊपर एक पर्टिकुलर पूरी सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। डाल दूँ इसे कि एक इनपुट टेक्स्ट है एंड एक मटेरियल बटन है सेम। अब इसको इनिशियलाइज़ ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइज़ करने के लिए टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा आपका। एंड सेकेंड है मटेरियल बटन, गूगल द्वारा सेंड बटन। एंड अब उसको यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर लो व्यू की हेल्प से। तो सेंड बटन इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट सेंड डेटा। ओके एंड सेम एज इट इज़ एट टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू डॉट आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, रिलेवेंट नाम रख लेना यार, मैंने नहीं रखे इतने। ठीक है, अब उसके बाद सेंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर क्या होता है, आपके एक क्लिक लिसनर असाइन कर देता है जिससे आप क्लिक करके उस पर ऑन क्लिक मेथड को हैंडल कर सकते हैं। ओके तो अब हमें जाना है मेन लॉजिक, अब यहाँ पे आता है फ्रेगमेंट टू एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं इंटेंट, अगर लाइफ साइकिल वीडियो नहीं देखनी हो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, पहला करेंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट कि हम किस एक्टिविटी में, इस समय हमारा फ्रेगमेंट किस एक्टिविटी में असाइन है, कॉमा सेकेंड एक्टिविटी की क्लास का नाम। तो अभी तो सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट नहीं करी है,
कर लो यार, तुम लोग हर चीज़ लेट बताते हो भाई। एम्प्टी एक्टिविटी, एक्टिविटी टू भी दे सकते हो बट हम सेकेंड एक्टिविटी देंगे, सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये लेआउट भी क्रिएट हो गया, फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद फर्स्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे आप नाम दे दो इसके एक्टिविटी का, सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड इंटेंट जो आ रहा है अब इसमें हमें करना है पुट स्ट्रिंग, सॉरी पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पे की का नाम देना है, की है हमारी, की नेम से देते हैं या फिर आप कुछ दे दो, ट्राई नेम नाम से या फिर हेलो नाम से या कुछ भी दे दो, मैं की नाम से देता हूँ। ठीक है, की नाम अपने हिसाब से रख देना। एंड यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स का डेटा, डॉट गेट टेक्स्ट, ये तो पता ही होगा। एंड यहाँ पर टू स्ट्रिंग भी कर दो जिससे वो स्ट्रिंग में जाए। एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अब हमें अपनी स्टार्ट एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी में इंटेंट पास करना है, राइट, जैसे इंटेंट मांग रहा है। ये हो गया हमारा 3 लाइन का कोड जिससे हम एक फ्रेगमेंट से एक्टिविटी में डेटा लेके जा सकते हैं। तो चलो सेकेंड एक्टिविटी में थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं यार कि किस तरीके से आ सकता है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लो, रैप कंटेंट, एंड इसकी यार आईडी देनी पड़ेगी तुम्हें, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मत दो, चलो टेक्स्ट बॉक्स दे लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स ही है। अब जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, एक चीज़ में जल्दी से करके दिखाऊँ इसमें, ये देखो कि कितना इजी हो जाता है हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। वैसे तो ये अगर मैच पेरेंट है तो ये सेंटर में ही रहेगा, तो मैच पेरेंट ही रहने देते हैं। टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, ऑटो कंप्लीट कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब कर देता है। एसपी में दिया करो यार, कोई भी फिगर दिया करो तो। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी, अब हम इसमें जाएंगे टेक्स्ट व्यू, इनिशलाइज भी करना पड़ेगा ना। टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट बॉक्स खेला है वो यहीं पे ही है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग मैसेज बना लेते हैं, रिसीव स्ट्रिंग या रिसीव की नेम, एंड इसको पहले नल डाल लो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक बंडल, सबसे पहले आपको एक बंडल क्रिएट करना है यहाँ पे, बंडल। ओके, गेट इंटेंट गेट एक्स्ट्रास, ओके बंडल एक्स्ट्रास नहीं एक्स्ट्रास। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा आपके इंटेंट में रिसीव हो रहा है वो आपको यहाँ पे गेट करना है। बंडल एक क्लास है जो डेटा एक्स्ट्रा करती है, इसको पढ़ लेना आराम से, जो क्लोनेबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी कि न्यू कीवर्ड फाइनल क्लास वगैरह, तो जावा की कोर कॉन्सेप्ट पढ़िए, एंड सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, ये बंडल आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है इफ़ बंडल डॉट नॉट इक्वल टू नल, नल चेक कराएंगे, नल नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप रिसीव स्ट्रिंग में बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग विद द की नेम, एंड यहाँ पे आपकी की का नाम क्या था, की। ओके, एंड उसके बाद आप इसको टेक्स्ट व्यू के अंदर असाइन कर सकते हैं। ओके, रिसीव स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आप चाहो तो एक और बना लो कि कुछ नहीं मिला डेटा एम्प्टी दिखाने के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से डेटा जाएगा, यहाँ पे डेटा आएगा, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हेलो डियर सब्सक्राइबर्स सर। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया। तो आप इसी के थ्रू कोई भी इमेज टेक्स्ट इंटीजर पिक्चर कुछ भी पास कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी इशू हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड यहाँ भी अगर कोई इशू आ रहा हो समझने में, समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यार अपना ना लोकेशन और नाम डाल दो, जिससे लाइक कभी कभी क्या होता है कि गेट करना मुश्किल हो जाता है, कि कभी कोई सोर्स कोड हुआ या फिर कोई गिटहब की रिपॉजिटरी हुई वो मुझे अगर सेंड करनी होती तो इशू हो जाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर।